मित्रों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए इस बात को हम समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है, और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है, यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं, और समय की अपनी भूमिका होती है, तो यह आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी। जब कोई बात मन को चुभती रहती है तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे, है ना? जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दूध मीठा दही या खट्टा दही बन सकता है और खट्टा दही मीठा किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी दूध का दूध नहीं बनाया जा सकता। कर्म का अर्थ है कि आपने स्वेच्छा से कार्य किया है। अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, और इसके विपरीत भी जो कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सिद्धांत के अनुरूप है। अच्छे इरादों के साथ अच्छे कर्म अर्जित करते हैं, और बुरे इरादों के साथ बुरे कर्म अर्जित करते हैं। बुरे इरादों के साथ अच्छे कर्म, दायित्व से बाहर कुछ करना लेकिन ऐसा करने का मन नहीं है, अच्छे कर्म अर्जित कर सकते हैं लेकिन कोई बुरा कर्म भी नहीं। एक राजा महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने एक बार ठाकुर जी का मंदिर बनवाया
और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाया और मोटा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई, आप तो जानते ही हैं। परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूं, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है, इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को त्याग कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिश तेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था।
फोड़े की पीड़ा से यह बेडढ़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मण ने अपना सब समाचार कहानी सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ ही निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है, इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं, ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत गौर से गौर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने तय किया कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान है। भोला ने सच बोला, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है, मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला,
तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बेहद महंगी है, क्योंकि कहीं लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानकार पर जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियां बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद ली। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसीलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसीलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसीलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा
और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगत। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है, एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सबकी प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म कर। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो। आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती, ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा।
मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्यों होता इतना भारी युद्ध? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लाभ बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी मां है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूं। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, मां, ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने? गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। गृहपति ने उत्तर दिया, मां, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहां हैं? ऐसा कौन सा घर है जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं, ये सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते।
हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजं लभते हि तादृशं फलं, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं जिससे कर्म भी हो जाए
और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनं सक्षदिन्द्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहु बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है, यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे।
उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा दान परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं,
परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।